नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज से पूरे भारत देश में ही बूस्टर डोज कोरोना के लिए, कोरोना से सेफ्टी के लिए बूस्टर डोज लगाया जाना है। पूरे भारत देश में इस मुहिम को चला दी गई है। इस वक्त हम रांची के सदर अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस बूस्टर डोज को लगाने के लिए लोग खुद ब खुद यहाँ पर चल के आ रहे हैं। चूँकि कोरोना के समय में देखा गया था कि कोरोना के जो वैक्सीन थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसको लगाने के लिए लोगों में थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, सुबह से 90 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके स्वइच्छा से बूस्टर डोज लगा के जा चुके हैं। और ऐसे में मेरे पीछे भी इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे साथ आंटी जो आई हुई है, महिलाएं मौजूद हैं, बूस्टर डोज लेने के लिए आई हैं। इससे पहले कि हम इनसे बात करें, आपको बता दें कि ये जो बूस्टर डोज है 18 साल की उम्र से ऊपर वाले बच्चों के लिए और लोगों के लिए, साथ ही 59 से नीचे के लोगों के लिए है। जी आंटी, क्या उम्र है आपकी? 30 साल है। आप बूस्टर डोज लेने के लिए इतना ज़्यादा मतलब आई हैं, लाइन में खड़ी हैं आप, इससे पहले कि वैक्सीन आपने लगाया है? हाँ, एक लगाए हैं। 90 दिनों का डिस्टेंस होना चाहिए, बीच में फासला होना चाहिए। 90 दिन हो गए? हाँ, हो गया। चलिए, कैसा लग रहा है ये वाला जो वैक्सीन लगाने के लिए आप आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तक लगाई नहीं है ना, आप लाइन में खड़ी हैं। जी आंटी, कहाँ से आई हैं आप? पटोली। जी कहाँ है ये? सुरेंद्र नाथ। अच्छा, वहाँ से आई हैं। तो पहले के जो दो वैक्सीन थे वो आपने लगा लिए हैं? लगा लिए। तो आप अकेले आई, आपके बच्चे नहीं आए? बच्चे लोग ये खड़े हैं बगल में। अच्छा, आप साथ में आई हैं, आप भी वहीं से आई हैं। जी, इससे पहले के दो वैक्सीन आपने लगा लिए हैं? लगातार सरकार की जो मुहिम है कोरोना को लेकर के, सरकार सचेत नज़र आ रही है, झारखंड सरकार से भारत सरकार सचेत नज़र आ रही है। इस मामले में पूछते हैं, कैसा लग रहा है लगातार भारत सरकार जो है इस मामले में सचेत नज़र आ रही है और ये अच्छे अच्छे कदम वक्त पे उठा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा ही लग रहा है, सब चीज़ हो रहा है इसके लिए। जी धन्यवाद। और भी सुबह से कई लोग आ चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवा के जा चुके हैं बूस्टर डोज। हमारा अनुरोध है कि आप भी आएँ और इस बूस्टर डोज को लगाएं। कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए ये चीज़ हम सभी जनता के लिए ज़रूरी है। जी ऐसे आज के लिए सिर्फ इतना। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ। नमस्कार।